तो दोस्तों अगर आपके पास Redmi Poco या Xiaomi का डिवाइस है और आपके डिवाइस में जो पावर बटन देखने मिल रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको पावर बटन मिल रहा है या वॉल्यूम ऑफ बटन देखने मिल रहा है, ये अगर आपके मोबाइल में वर्क करना बंद कर दिया है, ये वर्क नहीं कर रहा है, तो विदाउट पावर बटन को यूज किए अपने मोबाइल को कैसे स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। साथ में वॉल्यूम वाले फीचर को कैसे यूज करना है, विदाउट वॉल्यूम बटन को यूज किए हुए उसको भी कैसे इनेबल कीजिएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये जो डिवाइस है Redmi का डिवाइस है और आपके डिवाइस में जो पावर बटन और वॉल्यूम ऑफ बटन है, ये अगर बटन खराब हो चुका है तो क्या होता है कि ना आप अपने मोबाइल को पावर ऑफ कर पाते हैं ना वॉल्यूम ऑफ बटन को यूज कर पाते हैं जिससे वॉल्यूम को आप एडजस्ट करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करते तो आपने देखा होगा यहाँ पे पावर ऑफ रिबूट वाला ऑप्शन देखने मिल जाता है और इस पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल को ऑफ करते हैं। और उसके अलावा जो वॉल्यूम बटन और अप बटन और डाउन बटन देखने मिल रहा है, इसको जैसे प्रेस कीजिएगा तो आप अपने ऑडियो को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं कि अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो कैसे आप अपने मोबाइल में पावर बटन को यूज कर सकते हैं, विदाउट पावर बटन को यूज किए हुए अपने मोबाइल को ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, अगर इसको स्विच ऑन करना है तो स्विच ऑन भी कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ में वॉल्यूम ऑफ बटन को कैसे यूज करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको दो सेटिंग बता रहा हूं। सबसे पहले तो क्या करना, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा एडिशन सेटिंग का, इस एडिशन सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में क्विक बोल देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टर्न ऑन क्विक बोल वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट शॉर्टकट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप टैप करें। टैप करने के बाद ये आपका शॉर्टकट में यहाँ पे सेट किया रहेगा, इस पे चेंजिंग करना है तो किसी पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप नीचे में जाइएगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा, लॉन्ग प्रेस द पावर बटन, इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ से बैक होइएगा तो देखिए होम स्क्रीन में ये ऑप्शन मिलेगा और इस पर जैसे टैप कीजिएगा तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस वाला ऑप्शन मिलेगा और लॉन्ग प्रेस जैसे आप यहाँ पे कीजिएगा और छोड़िएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर ऑफ रिबूट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब अगर आप लो बजट का मोबाइल यूज कर रहे हैं और आपके मोबाइल में क्विक बोल ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो दूसरे तरीके से भी आप अपने मोबाइल में पावर ऑफ वाले ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इसको इनेबल करने के लिए क्या करना है, सिंपली सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे में जाना है, एडिशन सेटिंग मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक्सेसिबिलिटी वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप टैप करें। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे टैप कीजिएगा, टैप करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा शॉर्टकट फ्रॉम लॉक स्क्रीन का, ये ऑप्शन जो शो हो रहा है इसको सबसे पहले ऑन कर लेना है। ये ऑन करने के बाद एक्सेसिबिलिटी मेनू वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप टैप करें। टैप करने पर ये ऑप्शन बंद किया रहेगा, इसको आपको यहां से ऑन करना है, देन अलाउ कर देना है, देन आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन को आपको यहां पे इनेबल करना है, देन आपको यहां से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद देखिए ये ऑप्शन आपको एक्सेसिबिलिटी वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पावर वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, पावर पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे पावर ऑफ और रिबूट वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम वाला भी ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, घटाना है बढ़ाना है इस प्रकार से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने मिलते हैं, अगर यूज करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया कि पहले कि आप विदाउट पावर बटन और वॉल्यूम ऑफ बटन यूज किए हुए आप अपने मोबाइल को कैसे यहाँ पे पावर ऑफ कर सकते हैं और वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल यहाँ पे पावर ऑफ हो जाता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मैं अपने मोबाइल को यहाँ पे पावर ऑफ कर देता हूं और पावर ऑफ करने के बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल को कैसे स्विच ऑन कीजिएगा चलिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मोबाइल यहाँ पे पावर ऑफ किया हुआ है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो चार्जर है इस चार्जर को आपको यहाँ पे प्लग इन कर लेना है और प्लग इन करने के बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे स्विच ऑन कीजिएगा तो आपको न्यू वाला यहाँ पे लोगो देखने मिलेगा और आपका मोबाइल यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मी का लोगो आएगा, मी का लोगो आने के बाद आपका मोबाइल यहाँ पे रिबूट होगा और कुछ देर रिबूट होने के बाद आप अपने मोबाइल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, पावर को प्लग इन कर लेना है। पावर को प्लग इन करने के बाद ये मोबाइल आपका यहाँ पे ऑन होना चालू हो जाएगा। वो टोटल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मेरा मोबाइल यहाँ पे ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है कि अगर आप लो बजट का मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑन ना हो, पर अगर आप यहाँ पे हाई बजट वाला मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें ये फीचर यहाँ पे वर्क करता है। देख सकते हैं ये मोबाइल यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहां पे अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बटन पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।